तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे इंडियन एयरफोर्स के जितने भी वॉरियर्स हैं। मैं कहना चाहूंगा कल से एग्जाम शेड्यूल शुरू होने जा रहा है, बिल्कुल जाके बेटा आग लगा दो जबरदस्त तरीके से। अब तक की जो तैयारी है सबसे बेहतर है, सबसे परफेक्ट है। लास्ट टाइम खुद को काम रखिए, पॉजिटिव रखिए, एनर्जाइज रखिए और जाके इंडियन एयरफोर्स एग्जाम की बिल्कुल वाट लगा दीजिए। मुझे अपने एयर वॉरियर्स पे पूरा का पूरा भरोसा कर दिखाएंगे। तो बिल्कुल इंडियन एयरफोर्स इनटेक 2/2023 बेस्ट ऑफ लक। मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा आशीर्वाद, ईश्वर आपको शक्ति दे और कमाल की क्षमता आप में। मैं हमेशा कहता हूं कि आप सब मेरे हनुमान हैं जिसको बस जगाने की जरूरत है। और बिल्कुल जग जाइए और कल एग्जाम के बिल्कुल जाके वाट लगाओ मेरे सिरों। एयर वॉरियर्स, कुछ इंफॉर्मेशन, क्या क्या ध्यान रखना है टेस्ट सेंटर पे जाने से पहले, किन बातों का आपको इंपॉर्टेंस ध्यान रखना है, इन सारी बातों को आज बेहतर ढंग से डिस्कस करेंगे, समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। बट दिल से यार आप सबको बहुत बहुत दुआएं, बहुत सारा आशीर्वाद। जाओ मेरे बच्चा और कमाल करके आओ तेजी के साथ। कुछ इंपॉर्टेंट बातें कहते हैं कि जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है, जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे तू खुद को इस आग में, यही आदत तुझे सफलता दिलाएगी। मुझे लगता है कि जिंदगी में किसी भी चीज को पाने के लिए आप में कमाल का जज्बा और जुनून होना जरूरी है। बेटा झोंक दो यार, एक बार झोंकने के साथ ही अपने लक्ष्य को, अपने भविष्य को आप सेटल डाउन करते हो। और बैक टू बैक एग्जाम है, कभी एयरफोर्स का मौका है, कभी नेवी का मौका है, कभी आईसीजी का मौका है। इसका मतलब यह है कि वर्दी आपका इंतजार कर रही है, बस एक बार क्रैक करो और फटाफट लक्ष्य तक पहुंचो। एयरफोर्स एग्जाम इज ऑनलाइन, ऑनलाइन एग्जाम है जिसे आपको पता है। दैट्स वाई टाइम मैनेजमेंट हैज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है। यू हैव टू आंसर सर्टेन क्वेश्चन इन एग्जाम हॉल इन अ फिक्स टाइम, बिल्कुल आपको फिक्स टाइम में सब कुछ करना है। दैट्स वाई यू शुड हैंडल टाइम एग्जाम प्रेशर इन अ नाइस मैनर, बहुत ही काम होके, बहुत ही कंफर्ट कि बेटा बहुत ही मैच्योरिटी के साथ आपको इस चीज को हैंडल करना है और करना तो आपको ही है। तो लाजमी सी बात है कि आपको इस बात का ख्याल रखना होगा। नाउ लेट्स नो सम स्पेशल थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन द माइंड बिफोर गोइंग टू द एग्जाम सेंटर। आप जब एग्जाम सेंटर पे जा रहे हैं बच्चा, तो कुछ चीजों का आपको ख्याल रखना है, इन बातों का विशेष ख्याल रखेंगे। आइए सबसे पहले नो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, फोटो कॉपी इज रिक्वायर्ड टू बी कैरीड बाय द कैंडिडेट फॉर द अपीयरिंग इन द फेज वन ऑनलाइन रिटन टेस्ट। तो ध्यान रखिएगा कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाएंगे, सब कुछ फोटो कॉपी लेके जाना है जो वहाँ रिक्वायर्ड है। उसके विषय में क्रमशः आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, जो कि ऑनलाइन रिटन टेस्ट से पहले आपके लिए जरूरी होगा मेरे बच्चा। कैंडिडेट आर टू कैरी ओनली ए कलर्ड प्रिंट आउट ऑफ देयर एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड ऐसे बिल्कुल आया होगा आपका और इसका कलर प्रिंट आउट आपको ले लेना है बच्चा, सेम फॉर्मेट पे, सेम चीज़ें पे। एक फॉर्मेट मैंने आपको दिखाया है, बाकी आप अपने एडमिट कार्ड कलर प्रिंट आउट ले लेंगे, आगे पीछे दोनों करा लीजिएगा कलर। और आधार कार्ड, और आधार कार्ड को आप जरूर कैरी करेंगे बेटा, ये मैंडेटरी है, ध्यान रखिएगा। आधार कार्ड ओरिजिनल लेके जाइएगा, उसका फोटो स्टेट मत ले लीजिएगा, ठीक है ना। ओरिजिनल फोटो स्टेट दोनों कैरी कर सकते हैं। ये रहा आपका एडमिट कार्ड, इसको भी ध्यान से बेटा संभाल के अच्छे से आपको लेके जाना है मेरे बच्चा वहां पे। कैंडिडेट शुड ब्रिंग एटलीस्ट 2 फोटोग्राफ रिसेंटली अलोंग विद देम। तो जो फॉर्म भरते समय आपने फोटोग्राफ यूज की है बच्चा, उसी फोटोग्राफ को आपको लेके जाना है। तो ध्यान रखिएगा 2 फोटोग्राफ भी अपने साथ आपको बच्चा कैरी करनी है, इस बात का आप ख्याल रखेंगे। कैंडिडेट फ्रॉम JNK असम मेघालय हु हैव नॉट ऑप्टेड फॉर आधार कार्ड शुड कैरी अ वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ। तो कोई भी आईडी लेके जा सकते हैं, पैन कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, कोई भी आपके पास हो जो है आईडी, उस आईडी को वहां पर कैरी कर सकते हैं। कैंडिडेट टू रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड आर टू रिपोर्ट एट एन एग्जाम सेंटर एज पर डेट टाइम रिटन ऑन द एडमिट कार्ड। तो जो भी एडमिट कार्ड पे आपको डेट टाइम शेड्यूल दिया गया, फिर से ध्यान से देख लो बच्चा, उसी डेट टाइम और शेड्यूल पे जाना है आपको। और कोशिश करें कि एग्जाम सेंटर पे आप एटलीस्ट आधे घंटे पहले पहुंचे बच्चा, ये आपके लिए ख्याल करने वाली अहम चीज़ है। कैरी ए ब्लू ब्लैक पेन, मतलब ब्लू ले लो या ब्लैक पॉइंट पेन जो आते हैं ले लीजिए, जिससे सिग्नेचर और रफ वर्क करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। भले ऑनलाइन एग्जाम है बट रफ वर्क तो करेंगे ना बच्चा, तो अपनी पेन को आपको वहाँ प्रॉपर तरीके से बच्चा कैरी करनी है। वेयर नीट क्लीन क्लॉथ, जो भी कपड़ा पहनिए साफ सुथरा पहनिए। अवॉइड कैरिंग बेल्ट वॉलेट ज्वेलरी, इस तरह की चीज़ें ना लें। बच्चों को अक्सर मैं देखता हूँ कि जीन्स और अच्छी सी टी शर्ट्स पहनना चाहते हैं, अच्छी बात है, आप जीन्स टी शर्ट कैरी कर सकते हैं, शर्ट भी कैरी कर सकते हैं, बस जो भी पहन के जाइए साफ सुथरा हो, कम्फर्ट हो, जिसमें आप कम्फर्ट फील करें। अवॉइड वेयरिंग स्लीपर, स्लीपर ना पहने। बियर सूज वाइल गिविंग द एग्जामिनेशन, प्रॉपर सूज पहन के जाइए। जीन्स पहन रहे हैं बच्चा, तो जो भी आपके पास एक्शन या लेदर सूज हैं उनको आप पहन के वहाँ पर जा सकते हैं। तो ये बेसिकली चीज़ें हैं जो एग्जाम सेंटर पर जाने से पहले आपको ख्याल रखना है बेटा, और आपकी जिम्मेदारी बनती है इन बातों का ख्याल रखने का बेटा और इनको मेंटेन करने का।
और मैं फाइनली यही कहना चाहता हूँ कि जो भी पढ़ा है अब तक, जितना पढ़ा है, अब हड़बड़ाना नहीं, घबराना नहीं, बिल्कुल जाइए। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरे मेजर कलसी परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद। जाइए और फोड़ दीजिए। जो भी आपके पेपर होंगे इसका एनालिसिस इसी चैनल पर आपको मिलेगा डेली शाम 5 बजे। जैसे कल 20 तारीख को आप पहला पेपर देंगे तो शाम 5 बजे आपको कंप्लीट जो आपके हर शेड्यूल में एग्जाम हुए हैं उनके क्वेश्चन एनालिसिस मिल पाएंगे, जिससे अगले दिन जब आप 21 को एग्जाम देने जाएं, 22 को जाएं, तो आपको उन क्वेश्चन से रूबरू होकर जाना है, तो जरूर आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में उस लाइव सेशन में आए, जिससे आप चीजों को बेहतर ढंग से समझ पाए। फिर से एक बार दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।